हानी बानी आ रही तेरी, बानी बानी बेरिया तले, चप चप चरखा चले। अच्छा घर मतलब स्पेशियस है, वही स्पेशियस है और मॉडर्न थोड़ी। पता क्या हुआ, पहली बार हम लोग ना कश्मीर गए, पूछो इधर जाने वी आर फॉरेस्ट रिजॉर्ट इसी। थैंक यू। बहुत सुंदर। हाँ यहाँ पे रेस्टोरेंट है ये वाला, और कितना सुंदर व्यू है इसका रेस्टोरेंट का। क्रिसमस डे के लिए सारा सजा हुआ था, अब ये शायद न्यू ईयर तक रहेगा। हिल्स रिजॉर्ट का व्यू, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, और देखो पहाड़ वगैरह सारे कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं, और आज का ना मौसम भी बहुत अच्छा है। इतनी अच्छी लोकेशन है ना ये, कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब हम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो कोविड का भी कोई खतरा नहीं। रेनू आप अपने जरा दर्श दिखला जा, एक बार राजा आजा आजा आजा। यहाँ की शांति और उसमें चिड़ियों की आवाज कितनी अच्छी लग रही है, और मौसम भी इतना मस्त है, और आज सूरज निकला है ना तो मौसम भी इतना मस्त। और दूर तक उधर भी कुछ स्पोर्ट्स वगैरह का है, तो एक्टिविटी एरिया है ऊपर की तरफ, वहाँ भी अभी जाते हैं। इधर से है ये गोल्फ कोर्स, अभी फॉरेस्ट रिजॉर्ट के अंदर आए हुए हैं। अभी हमारा नया लुक है, और पीछे आप देख ही सकते हो मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, सब लोग इसी उसमें लुक में हैं। हमने नया, और गर्मी यहाँ पे काफी हो गई है इसलिए ये स्वेटर्स उतार दिए गए हैं। हाँ जी हेलो फ्रेंड्स, आप एंजॉय कर रहे हैं। अब ये हमारा है नया लुक, और इस जो फॉरेस्ट ये एरिया है ना, वो फॉरेस्ट हिल व्यू एरिया, क्या सुपर एरिया है, बहुत ही मजा आ रहा है हमारे को, क्योंकि भीड़ नहीं है, बहुत फन हो रहा है। और हमारा ये लुक, हमारा फ्रेंड्स के साथ हम आए हैं, तो फ्रेंड्स लुक ये, और पीछे शायद मेरी फ्रेंड्स भी आपको नज़र में आ रही होंगी, धूप बहुत पड़ रही है इसलिए मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना दिख रहा है। तो चलो अभी उनके पास ही चलते हैं, थोड़ा सा मैं देखने के लिए यहाँ पे आई थी। हानी बानी आ रही तेरी, बानी बानी बेरिया तले, चप चप चरखा चले, चप चप चरखा चले। अब इस फॉरेस्ट रिजॉर्ट की आगे की सैर करवाई जाए आपको। तो ये फॉरेस्ट हिल गोल्फ एंड कंट्री क्लब है, बोट हाउस, एंट्री ओनली फॉर फिशिंग एंड बोटिंग। तो शायद इसे ये एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ गोल्फ के लिए है, बट हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कुछ एक्टिविटी एरिया भी है, जाके थोड़े सी खोज करते हैं कि क्या है, बट वी आर इंजॉइंग। गर्ल्स आर यू इंजॉइंग? Really, I was missing that fun. Because you came. It all happened because you came. हाँ इसीलिए मेरे, हाँ thank you so much.
एंड थैंक यू यू ऑल फॉर मेकिंग माय दिस ट्रिप स्पेशली वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट. और आई थिंक यहाँ पर भी गोल्फ कोर्स है, यहाँ पर भी शायद वेयर इज दैट एक्टिविटी एरिया, वो तो पीछे है. तो हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर ये बोटिंग एरिया भी है और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि आज धूप निकली हुई है जिस वजह से हम पूरा एंजॉय कर पा रहे हैं. अदरवाइज था कि क्लाउड रहेंगे. हम लोगों ने दिस इज नाइस प्लेस. जो भी चंडीगढ़ से है वो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, एक बार विजिट करो, बहुत ही बढ़िया जगह है. ये देख लो, बीती बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना. फाइनली एयरक्राफ्ट की तरफ चल पड़ी हूँ मैं. हमारी लगता तो है कि उड़ान टाइम से हो जाएगी शुरू, लेकिन लंबा रास्ता बस एयरक्राफ्ट के लिए. We would like to request you to please pause your personal electronic devices for a few minutes so that we may have a full attention. Thank you. मारते बताती है कि मुंबई का बस थोड़ी देर में हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे.
yourself to turn it up and sing along. Cause that's what friends are for. Only arrival and welcomes you to Mumbai. We have landed at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport Terminal 2. For those connecting to another Vistara flight or to an international flight on any airline, this is your departure terminal. The temperature outside is 20. तो आज का हमारा ये सफर जो है वो यही खत्म होता है एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। अब सामान लेके मैं सीधे घर को निकलूंगी। अगर यहाँ तक देख लिया है ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बहुत ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।